महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे सेट करने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जिस मुद्दे को लेकर उतरा था और कामयाब रही थी, अब उसी पिच पर एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी उतर चुके हैं। अजीत ने विपक्षी खेमे के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि एक बार जातिगत जनगणना होनी चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के जोर पकड़ने के साथ अजीत पवार ने जातिगत जनगणना कराए जाने के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराने से ही ये पता चल सकेगा कि क्या समाज की आबादी कितनी है और उनकी स्थिति क्या है। इसे इसलिए कराया जाना चाहिए क्योंकि हर वर्ग अपने लिए आरक्षण मांगता है, इसलिए सटीक आंकड़े मिलने से सरकार को नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी खामोश है और अजीत पवार मुखर। ऐसे में अजीत की ये सियासी मजबूरी है या फिर चुनावी लिहाज से जरूरी है? 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस से लेकर शरद पवार तक ने एजेंडा सेट किया था। चुनाव में इसका लाभ भी इंडिया गठबंधन के दोनों दलों को मिला। कांग्रेस एक सीट से बढ़कर 13 पर पहुंच गए। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद बने। इंडिया गठबंधन के तीसरे पार्टनर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी 9 सीटें मिली हैं। इस तरह महाराष्ट्र में इन दलों का गठबंधन 30 सीटें जीतने में सफल रहा। यही वजह है कि अजीत पवार के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने का दाव सियासी मजबूरी भी है। उनकी पार्टी के कद्दावर ओबीसी नेता छगन भुजबल का कोर एजेंडा जातिगत जनगणना ही रहा है। भुजबल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के चलते अजीत ने भी इस मुद्दे को धार देने की रणनीति बनाई है। इस तरह एक और अजीत के विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी है, तो दूसरी ओर अपने ओबीसी नेताओं को साधने का दाव। जातिगत जनगणना का मुद्दा अजीत पवार की मजबूरी के साथ साथ जरूरी भी है। राज्य में करीब 40% ओबीसी आबादी है, इसमें कई समुदाय ओबीसी का कोर वोट बैंक रहे हैं। बीजेपी अपने सियासी मजबूरी में भले ही चुप हो, लेकिन अजीत अब इस मुद्दे के जरिए ओबीसी वोट बैंक को साधने का दाव चल रहे हैं। राज्य में मराठा 31% से ज्यादा है, तो ओबीसी 40% के करीब है, लेकिन वो 356 उपजातियों में बटे हुए हैं। अजीत इन्हीं दोनों समुदायों को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने गठन के बाद महाराष्ट्र में ओबीसी समाज को अपने पाले में लाने के लिए माली, धनगर और बंजारी जाति के वोटों पर फोकस किया था। इसका नेतृत्व वसंत राव भागवत ने गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, पंडुरंग फंडकर, महादेव शिवकर और अन्यों की मदद से जमीन पर उतारने का काम किया था। महाराष्ट्र के ओबीसी में लोहार, तेली, माली, धनगर, घुमंतु, कुनबी, बंजारा और कुर्मी जैसी जातियां हैं जो सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। ओबीसी समुदाय के लोग कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, पुणे, ओकोला, परभड़ी, नंदेड़ और यवतमाल जिलों में रहते हैं। राज्य की 288 सीटों में से करीब 100 विधानसभा सीटों पर ओबीसी समुदाय का प्रभाव है। महाराष्ट्र की सियासत पर गौर करें तो यहां ओबीसी की 40% आबादी होने के बाद भी मराठा वर्चस्व की राजनीति के चलते उन्हें कोई खास सियासी मुकाम नहीं मिल सका है। यही वजह है कि अब तक राज्य में एक भी ओबीसी सीएम नहीं बना।